हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मेरे को तंगुड़ी भाई ने भेजा इधर। ठीक है, मैं जो तुझे सामान दूंगा ना, उसे संभाल के ले जाना। ए? तू मेरे को सिखाने का नहीं कैसे लेके जाना और कैसे लेके आना है, समझा? चल। यहीं रुको। आदमी को ज्यादा श्याणा नहीं बनना चाहिए। मैं जो कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। इस पैकेट को रास्ते में खोलना नहीं। हे शाणे, ऐसे काली नजर से क्या देख रहे लाया? मैं तो तुझे बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। खोलेगा तो तेरी जान जा सकती है, बाकी तेरी मर्जी, जो चाहे कर। क्यों, बॉम्ब है क्या? तेरे को क्या, तेरे को जो बोल रहा हूँ ना, बस मुंह बंद करके कर। मेरे को नहीं लेने का, अपन पहले धनकुटी भाई से बात करेगा, समझा? हाँ भाई। अरे इधर वो लफड़े वाला लिफाफा दे रहा है मेरे को। अबे शाणे, तेरे को क्या बोला था? जितना बोला था उतना ही करने का, समझ में नहीं आता? ठीक भाई, भाई चुपचाप ले ले और वापस आ। हाँ ओके 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 भाई, मैं फोन रखता हूँ भाई। कुछ लोगों को जब तक प्रसाद नहीं मिलता ना, चैन नहीं मिलता। खाई ना गाली, हाँ? ये ले और याद रख, रास्ते में पैकेट खोलना नहीं। खोलेगा ना तो सीधा ऊपर। ठीक है भाई, चलता हूं। नमस्ते एसीपी साहब। नमस्ते। क्या नलिनी का खूनी पकड़ा गया? अब तक तो नहीं पकड़ा गया, लेकिन बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा। संगीता और नलिनी दोनों के खूनी हमारे हाथों से बच नहीं सकते। संगीता भी चल बसी? जी हाँ, उनका भी खून हो रहा है। रीमा, रडू दो को रीमा। संभाल को रीमा। संगीता का बेटा राहुल का है सर। राहुल को हमने उसके मामा के पास भेजा है। ते केतन काका, केतन ठीक है इतना? हाँ बेटा, केतन काका ठीक तो होने चाहिए, मगर उनके बारे में कुछ पता नहीं है, इसलिए उनसे मिलना चाहते हैं। वैसे केतन काका रहते का है, कुछ बता सकते हो? साहब दस्ताने पहनने पड़ेंगे। हाँ दस्ताने तो पहनने ही पड़ेंगे, ताले में से भी कोई सुराग मिल ही सकता है। ठीक है साहब। सर इस केस में सबसे पहले लोग गायब, अपनी अपनी चॉल से। हाँ पंकज, सिर्फ इतना ही नहीं, जितने भी लोग गायब हो गए उनमें से दो की मौत हो गई और एक की लाश के पास से तो हमें 8,30,000 रुपये भी मिले। हाँ सर, और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये लोग अचानक अचानक कैसे गायब हो गए सर? वही तो, ना इन लोगों को किसने देखा, ना इन लोगों ने किसी को बताया कि वो लोग छोड़ कर जा रहे हैं, ना अपने अपने घर भी बेच, बस ऐसे ही गायब हो गए, किसी को कुछ नहीं बताया। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है इनके गायब होने में।
इस राज का तो पता लगाना ही पड़ेगा। साहब ताला खुल गया। दोनों पंखे चालू हैं। सर हो सकता है जल्दबाजी में बंद करने का मौका नहीं मिला हो। नहीं पंकज मुझे नहीं लगता। ये देखो चाय का कप पूरा भरा है, चाय पीने को टाइम ही नहीं मिला। लगता है चाय पीने से पहले आज से अचानक कुछ हो गया जिसकी वजह से केतन काका गायब हो गए। ये क्या है? मार्च 2014 इसी दिन तो केतन काका गायब हो गए थे। मतलब सर जिस दिन वो गायब हुए उस दिन उनके लिए किसी ने चिट्ठी भेजी थी। हाँ ये देखो लिफाफे के अंदर कुछ लिखा हुआ है। सर एक एनवेलप इधर भी पड़ा हुआ है सर, बंद है सर। अच्छा कुछ लिखा है उस पर? नहीं सर, नाम पता कुछ भी नहीं। तो देखो जरा खोल के क्या है। संभल के ला। कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा। जल्दी इस बिल्डिंग में जितने भी टेबल फैंस है टावर फैंस है सब लेकर आओ, उस कमरे में लगाओ और ऑक्सीजन स्प्रे लेकर आओ। ओके सर। जल्दी सर ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। बस दो मिनट ऑक्सीजन स्प्रे लेकर आओ। सचिन सचिन आंखें बंद करो, देखो स्प्रे मार रहा हूं मैं। आपको स्प्रे ठीक हो जाओगे। ठीक लग रहा है? हाँ सर पहले से गुड, बहुत बेहतर है सर। एक काम करो घर चले जाओ आराम करो। हाँ पंकज संभाल लेंगे यहाँ। नहीं सर आप मेरी चिंता मत करो सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसी कुछ नहीं। देखो 15,000 और वो भी उल्टा लिखा हुआ है। हो सकता है किसी ने केतन काका को 15,000 रुपए कागज में लपेट के दिए। ये हो सकता है और फिर लपेटे हुए कागज के ऊपर जाड़े अक्षर से लिखा होगा जिसका ये इम्प्रिंट इस कागज पर आ गया। सर पेंसिल की लिखावट इतनी डार्क थी कि एनवेलोप पे निशान छप गया। हाँ पंकज किसी खास किस्म के पेंसिल से लिखा है ये। देखना पड़ेगा आसपास कोई स्टेशनरी की दुकान है क्या, पता लगाते हैं इस पेंसिल के बारे में। जाओ पहले छुट्टा लेके आओ। अंकल छुट्टा नहीं है। तो फिर ये बाद में लेके जाना। क्या हुआ बेटा? अंकल मेरे को ज्योमेट्री बॉक्स चाहिए लेकिन छुट्टा पैसा नहीं है मेरे पास। कोई बात नहीं, कितने पैसे हैं इस ज्योमेट्री बॉक्स के? 25 रुपए का सर। 25 रुपए? पंकज जरा 25 रुपए देना इन्हें। छुट्टे रखा करो अपने पास। चलो ये लो। थैंक यू अंकल। अच्छी पढ़ाई करना है। हाँ। पर आप लोग हैं कौन बिना जान पहचान के बच्चे को ज्योमेट्री बॉक्स दिलवा दिए? सीआईडी से। सीआईडी? पर मैं तो अपना इनकम टैक्स सेल्स टैक्स सब बराबर भरता हूँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है और भरना भी चाहिए। अब हम एक दूसरे काम के लिए आए हैं आपके पास। ये लिफाफा है इसके ऊपर ये देखिए एक पेंसिल का मार्क उठा है। क्या बता सकते हैं किस पेंसिल का मार्क हो सकता है? ये सर कोई आम पेंसिल का निशान नहीं है, लिखने वाले ने जरूर 6B या 8B पेंसिल का इस्तेमाल किया है। 6B या 8B? जी सर। इस तरह की पेंसिल आपके पास है? जी हाँ है ना सर, अभी देता हूँ। ये लीजिए।
यह है 6B और यह है 8B। सचिन, इस पेंसिल की नोक देखी, पत्थर देखा, बिल्कुल काले कोयले की तरह है। ये वैसे आम लोग तो इस्तेमाल नहीं करते होंगे। ये आम पेंसिल से थोड़ी महंगी है, इसलिए ज्यादा करके आर्ट स्टूडेंट या फिर इंटीरियर डिजाइनर ही इसका इस्तेमाल करते हैं। आर्ट स्टूडेंट या इंटीरियर डिजाइनर। देखिए यहाँ पर एक अंबावाड़ी चाल है, क्या वहां कोई ऐसी पेंसिल इस्तेमाल करता है? अंबावाड़ी? हाँ सर, दो लोग हैं क्योंकि वो फोन पर ये पेंसिलें घर पे मंगवाते हैं। कौन है वो लोग? सर नाम तो नहीं मालूम, पर कॉपी में उनका खोली नंबर लिख के रखा है। दिखाए जरा। हाँ सर, खोली नंबर 306। अरे मौसी, मैं तुमको पहले ही बोला था, ये सीआईडी वाले जब तक केस सॉल्व नहीं होता ना, चाय तक आए पानी पर नहीं पीना रे लोग। अरे कौन है? दरवाजा खोलो। अरे खोल रहा हूँ यार, खोलते ना यार, ढुकून ढुकून तोड़ना रहती है, क्या है माहिती? अरे तुम ही? ओ अमी अलगुन राव अमी। अरे वाह, मुझे केस सॉल्व नहीं बढ़ता, चलो बड़े सर। नहीं, केस सॉल्व हुआ नहीं, लेकिन लगता है कि अब शायद जल्दी सॉल्व हो जाएगा। मंजी मंजी, ये एनवल? हाँ, ये लिफाफा, ये तुमने केतन को दिया था ना? नहीं तो, और केतन काका से तो मेरी बातचीत भी नहीं हुई बहुत दिनों से। केतन से इसकी बातचीत ही नहीं हुई? हाँ सर। हाँ सर, केतन से कोई बात नहीं होती थी तुम्हारी, है ना? हाँ? अरे वाह, बुलवल कर। पेंसिल का बड़ा इस्तेमाल करते हो क्यों? अच्छा, ड्राइंग के लिए और फिर केतन के लिफाफे पर 8B पेंसिल से 15,000 रुपये लिखने के लिए भी, है ना? आप लोग मुझे फंसा नहीं सकते? नहीं, क्या ब्रो है? नहीं सर, दे दे सबूत इसे। देखो बालगुन, बाद में ये मत कहना कि शराफत से तुम्हें पूछा नहीं है। धमकी सर, धमकी। हाँ, आप लोग मुझे बड़ी चबाखरा नहीं बना सकते। क्या पुरावा है? क्या पुरावा है आपके पास? पुरावा भाई ये मैं मर लेगा, मैं बताता हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे बताओ सर। वो चपटे के कहने पे मैंने ये लिफाफा दिया था केतन काका को, केतन काका को। हाँ अच्छा, चपटा के कहने पर किया तुमने? चपटा कहाँ है? चपटा बता जल्दी। मालूम नहीं तुला। हाँ, चपटा गायब है, इसलिए सारा इल्जाम चपटा पे थोप रहा है। आयुष चप्पत सर तुम्हें तुम्हारा चपटे ना, चपटे मेरे को हर महीने 10,000 रुपये देता था, त्याच्या बदल्यात मैं हर घर में पाकिट पहुंचाता था सर। हाँ, और फिर और ना सर, लिफाफे दो होते थे सर, एक में पैसे होते थे सर, और दूसरे लिफाफे में, और दूसरे में दुहे का बॉम्ब रहता था। और सर वो ना, हम जब लोग बेहोश होते थे ना, तो हम लोग सब गायब करते थे सर। हम लोग कहाँ गायब करते थे बता दे। मालूम है मेरे को चपटा यहाँ पे है नहीं तो उसके सर पे जून की मटकी फोड़ रही है। मैं सब बता दिया सर आपको, एक बात और। चपटा हमेशा एक बात बोलता था सर, उसको पूरा चाल खरीदने का है सर।
उसका पूरा चाल खरीदने का है। हाँ, पूरी चाल चपटा खरीदना चाहता है और गुलाब वाली चाल वो भी चपटा खरीदना चाहता है। उर्मिला, जीरा तो डाल दिया, अब क्या करूं? एक काम कर, सारी सब्जियां उसमें डाल दे और गैस धीमी कर दे और 2 सीटी बजाए। अरे कुटे पर तो गाड़ी सुटती क्या तुझी? अरे हाँ दादा, कोई ऐसे समझ लो। क्या बात है बेटा, कहीं बाहर जा रहे हो क्या? हाँ काका, वो मैं अपने गांव जा रहा हूँ। कोटलूर? हाँ वैनी वही। इस तरह अचानक वो कुछ एक जरूरी काम याद आ गया। सब ठीक तो है, पैसे रुपयों की जरूरत हो तो बोल देना। अरे नहीं काका, मुझे पैसे वैसे नहीं चाहिए, और वैसे भी वे दोनों चाचा है ना मेरी मदद करने के लिए। तुम्हारे चाचा भी हैं? हाँ वैनी, एक नहीं दो दो चाचा है मेरे, कल्लू चाचा और कंचा चाचा। कल्लू कंचा, ये कैसे नाम है? काका छोड़ो ना, और वैसे भी जब तक मैं गाँव से नहीं आता मेरे दोनों चाचा यहीं पर रहने वाले हैं। भतीजे, दादाजी आप आ गए। क्या बात है, निकल लिए? लो आ गए खुशहाल के दोनों चाचा, कल्लू और कंचा। इतनी रात को कौन आ गया? ए, रुको 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 रुको। किट्टू तू फिर गलत कर रहा है यार, कल ही तो शिकायत है तुझे। ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे। अरे यार 2 दिन बाद कंपटीशन है, हम हार जाएंगे। सॉरी यार, 2 दिन से नलिनी ताई, संगीता ताई और केतन काका के खोली के और देखता हूँ, डांस में मन ही नहीं लगता। अता नलनी ताई जी खोली, रिकामी रहना नहीं, ही खोली माजी आए, यहाँ हम रहने के लिए आए। ये लोग कौन है? काय माहिती? औजी, मैं अपनी तारीफ खुद नहीं करता। अगा, सांगी ना, ये कौन आए? ये ना, हिना माजिक, ये मेरे पति हैं। मैं आपका नाम ले लूं? जी लगा के लेना, जी लगा के। अंकित जी, और मेरा नाम पूजा है। तुझे किसने कहा था अपना नाम बताने के लिए? सिर्फ अपना बोला था ना, सब गड़बड़ कर देती है। अब चल ऊपर चल। आप नलिनी ताई के घर रहने आए? ए भाऊ, ये खोली माजी आए, पूरे 25 लाख रुपए दे खरीदे हैं मैंने, समझे? ओ थांबा, ऐसा कैसे कहा है? अरे सुलभा ताई, तुम नलिनी ताई का बोले नहीं रूम बेचने का घर के? मुझे ये सब नहीं, तू अभी यही पे खड़ी है, ऊपर नहीं गई, और तुझे खाना नहीं मिलेगा आज, सिर्फ सूखी रोटी मिलेगी। और हम कैसा माने कि नलिनी ने अपनी खोली तुम दोनों को बेची है? मौशी, तुम्हें बहुत परेशान कर रही हो। आगा पेपर दाखो, 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 दाखो बगू, पेपर बगू, पेपर इसमें सब मुझे बताना पड़ता है। चल बगू बगू, पेपर बगू, तुम अपने घर में जाके झगड़ा करो। हम लोगों को पेपर चाहिए, पेपर, कहीं नकली तो नहीं है ना? नकली है, नकली है, नकली हो सकते हैं। पेपर दिखाओ, चलो आ जाते हैं, मानने मन आ जाते हैं। मुझे नहीं, उनको दिखाओ, उनको मार देगी मुझे, तू तो चाहती है मार दे मुझे। नकली असनार, दूसरा क्या है? नकली 25 लाख दिए। अबे पुत्र बरबर है, तसल्ली हो गई, देख लिया, अब मैं जाऊं ऊपर, मेरा पेपर दो, चलो ऊपर। अरे चलो पूजा, जल्दी मीकड़े खालती जरा, कुछ भी चाहिए ना बिंदास बोलना। हाँ मुझे, हाँ मौशी, मैं अजनबी से मदद नहीं लेता, चाहे वो पड़ोसी हो चाहे कोई और, समझी आप? ठीक है ठीक है ठीक है, अपना काम करो, जाओ सब पीछे पीछे, जाओ जाओ, आ रहे हैं हम लोग, चलो निकल, चलो जल्दी। मारूस है,
आपल्या बायकोशी कोणी असं वागतं? नलिनी को मारा, फिर संगीता को मारा, और अब खुद मारा गया। सर इसे भी उसी ने मारा होगा जिसने इसे सुपारी दी थी। एक बार अपना काम खत्म हो गया, बस ये चपटिया उसके लिए खतरा बन गया होगा। गोली सीधे माथे में गई है। एक बार देखी तुमने, इसने है ना अपने हाथ ऐसे रखे होंगे, ऐसे गोली से बचाने के लिए, और गोली सीधे ऐसे आर पार चली गई, यहां से यहां से यहां से पार होके यहां। गाड़ी को अच्छी तरह से चेक किया है ना तुमने? हाँ सर। हाँ। सर खूनी बहुत ही चालाक है, एक एक कदम उसने फूंक फूंक के रखे हैं सर। ना ही गाड़ी का नंबर प्लेट है और ना ही चेसिस नंबर, यहाँ तक कि सर उंगलियों के निशान भी नहीं है। अच्छा सर, कोई बात नहीं, सारे डिटेल मिल जाएंगे। एक काम करो, चंदनु को फोन करो, हमारा जो कार एक्सपर्ट है वो सारी डिटेल दे देगा हमको। तो अब ठीक हो? हाँ साहब ठीक है। अब याद करके बता क्या हुआ था यहाँ पर, एक एक बात बताओ। साहब उस भागती हुई गाड़ी से खुद को बचाने के चक्कर में मैं गिर पड़ा। मतलब तुमने किसी को भी नहीं देखा? किसी को भी नहीं? नहीं साहब, वो आंधी की तरह आया और तूफान की तरह कार यहाँ खड़ी करके चला भी गया। सर मैंने गाड़ी का माइलेज मीटर और डैशबोर्ड बाकी की फीचर चेक कर लिए। ये गाड़ी 2009 की है, सेलोन एलेक्स सीरीज। सेलोन एलेक्स 2009 की सीरीज, ग्रेट वर्क शांतनु, ग्रेट वर्क। बस बाकी की चीजें हम भारतीयों से पता लगा ही लेंगे। पंकज सर आप सोच भी नहीं सकते, आपकी मदद करके मुझे बहुत खुशी हुई। थैंक यू वेरी मच। सर 2009 में 5 लोगों ने ये गाड़ी ली थी। 2009 में 5 लोगों ने गाड़ी ली थी? अच्छा और उन 5 लोगों में से एक आदमी का नाम हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वो क्या है? तेज। तेज, तेज दर्शन का भतीजा तेज। तेज साहब घर पर हैं? तेज साहब तो घर पर नहीं है। कौन है सीमा? अरे एसीपी साहब आप? जी तेज घर पर नहीं है? तेज तो घर पे नहीं है। कहाँ गए? चंद्रू की मौत के बाद से तेज बहुत घबराए घबराए रहने लगे और कल अचानक ही वो पता नहीं कहाँ चले गए। उनका कुछ भी पता नहीं चल रहा और ना ही उनका फोन लग रहा है। तेज जो घर से बाहर गया, कैसे गया है? मेरा मतलब है अपनी गाड़ी लेकर गया? हाँ सर। और कौन सी गाड़ी लेकर गया? सेलोन एलेक्स। सेलोन एलेक्स 2009 में खरीदी थी है ना? हाँ सर, पर आपको कैसे पता? उन्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? सर ये ठीक कह रही है, तेज घर पे नहीं है। बताइए ना सर, तेज ठीक है ना? तेज ठीक है या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन एक बात तो पक्की है कि एक आदमी ने अपनी जान गंवाई है शायद तेज की वजह से। अब तो देख पिंकू, मैं रानी को किस तरह अंदर लेता हूँ। कहा था ना कि तुम दोनों अभी कच्चे खिलाड़ी हो, हमसे नहीं जीत पाओगे।
छोटे बच्चों के साथ खेल के तो कोई भी अपने आप को पक्का खिलाड़ी समझने लगता है। अगर दम है तो दो दो हाथ हो जाए हमारे साथ। अभी नहीं, बाद में आना। अमर काका, आपको हमारे साथ एक गेम तो खेलना ही पड़ेगा। आपका कमरा जो लगा है दाव पे। कमरा दाव पे लगा है मतलब? मतलब ये काका, कैरम का ये गेम अगर हम लोग जीत गए तो आप अपना कमरा हमको भेज दोगे हमारी मुंह मांगी कीमत पे। क्या? हाँ, और अगर वो गेम आप जीत गए तो आपका कमरा हम आपसे खरीद लेंगे हमारी मुंह मांगी कीमत पे। अच्छा, मतलब चिट भी आपकी और पट भी आपका। राइट। देखो बेटा, ऐसा है, ये पूरा का पूरा सिक्का ये हमारा ही है। अब इस चौल में कल्लू और कांचा का ही सिक्का चलेगा, समझा? तुम अपना सिक्का अपनी जेब में रखो, मुझे अपना कमरा बेचने का कोई इरादा नहीं है। अरे जरा शांत हो जाइए। देखो काका, ऐसा है, इरादा तो बदला भी जा सकता है। अब तुम यहाँ अकेला रहता है खोली में, तुम वो खोली हमको बेच दो, हम तुमको पैसा देगा, तुम कहीं जाके किराए पे रह लेना। क्या? मैं अपना कमरा बेच दूं और खुद जाकर किराए पे रहूं? कभी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कल्लू। हाँ कंचा। ये अंबर काका ऐसे नहीं मानेंगे, इनको शरबत पिलाना पड़ेगा। हो हो हो, काका कभी शरबत पिए? शरबत? कैसा शरबत? आखिरी बार पूछ रहा हूँ आपसे, ये घर बेचोगे या नहीं? नहीं, मरते दम तक नहीं। नहीं? ठीक है, तो फिर तैयार हो जाओ शरबत पीने के लिए। वो तेरी काई ढाले। क्या चला काका? मेरा चेहरा देखकर तुम्हें पता नहीं चल रहा है कि मेरे साथ क्या हुआ है? हाँ, अलविदा दोस्तों, अब मैं यहाँ से बहुत जल्द चला जाऊंगा और अपना कमरा भी उन दोनों को दे दूंगा। काका, 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 काका ना मारता का है, भक्तों सो करा था। वैंकी, रहने दो, ये दोनों बहुत खतरनाक हैं। जाने दो वहनी, अब वैंकी काका इन दोनों का दिमाग ठिकाने लगा सकते हैं। मारो, अगली बार इस चौल का हीरो बनने की कोशिश की तो जीरो बनने के लायक भी नहीं रहेगा, समझा? तुम दोनों की दादागिरी यहाँ नहीं चलेगी। अच्छा, तो क्या तेरी दादागिरी चलेगी? अगर पंगा लिया ना तो अगला कमरा हम तेरा खरीदेंगे। होते है क्या? जीत के मोबाइल की लोकेशन यही की बता रही है सर। हाँ, लगता है तू यही वेयरहाउस है, इसी में छुप के बैठा होगा वो। किससे मिल रहा है सर आपको? तेज अंदर। तेज? ये तेज कौन है? ये आदमी। नहीं तो? कोई बात नहीं, दरवाजा खोलो, हमें अंदर चेक करना है। देखिए साहब, आप अंदर जा नहीं सकते अभी। अभी भी कुछ कहना है? सब लोग फैल जाओ, एक एक कोना छान मारो, हाँ जल्दी। सर, सर जल्दी आइए। सर, माय गॉड, तू तेज है, जल्दी से एम्बुलेंस को बुला लो, जल्दी।
तेज, तेज। सर अगर तेज ने उन दोनों का खून किया तो तेज की हालत किसने की? क्या हुआ सर? सीआईडी वाले हैं। अब मैं बबन वेयरहाउस का मालिक। बबन वेयरहाउस का मालिक भी और अंबावाड़ी चाल का मालिक भी है ना? अब जी क्या हुआ बबन राव? हुआ ये है कि तुम्हारे इस वेयरहाउस में तेज जख्मी हालत में मिला है और तुम्हारी अंबावाड़ी चाल में से लोग गायब हो रहे हैं। तुम्हारे साथ चलो। हो बेटा तुझे नाव काय? माझं नाव शुभम। तुम्हाला एका बाईने खाली बोलवलंय, तिला काहीतरी मदत हवी। बाईने? कोणती? मला नाव नाही माहिती पण तिने मला चॉकलेट दिलं तुम्हाला बोलवण्यासाठी। कुठे आहे ती बाई? गेटच्या बाहेर। गेटच्या बाहेर? मुझे बुलाया? जी हाँ। तो वो चॉकलेट आपने दिया था? मछली को जाल में फंसाने के लिए दाने तो डालने ही पड़ते हैं ना? हाँ? ये मुझे छोड़ो। छोड़ो आवाज नहीं। छोड़ो छोड़ो आवाज नहीं। छोड़ो मुझे। छोड़ो छोड़ो। रात को कहाँ जा रही है तू? तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई बाहर निकलने की? मैं बाहर नहीं जा रही हूँ। ये लोग मुझे अगवा कर रहे हैं। कुछ कीजिए। छोड़ो। पुलिस को फोन कर। बचाओ। रुक जाओ। मेरी इकलौती मेरी इकलौती धर्म पत्नी थी। एक मिनट आराम से मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारी पट्टी खोल रहा हूँ। ओके बंदूक। ये बंदूक है? तेरे क्या लगता है बंदूक है? असली है क्या? नहीं तो क्या होली की पिचकारी लेके किडनैपिंग करेंगे क्या? अब मालाना एक ता मुझे ना एक बार इसको छूना है। मैंने बस फिल्मों में देखा है। एक बार छू लूं। प्लीज 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 छू ले छू ले। हाँ असली है। चुप चुप झट। देख मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि नन्नी ने तुझे वो मकान बेचा नहीं था। सच सच बता कौन है तू? अरे ये सब क्या साजिश रची है? साजिश? मैं क्या साजिश करूंगी? मैं तो अपनी पति की सताई हुई दुखी आरी हमला ना रही हूँ। मैं क्या बाबा? तुम और तुम्हारा पति किसने भेजा है तुम दोनों को इस मकान पर कब्जा करने? किसी ने नहीं भेजा। सारे पेपर चेक कर लिए मैंने। ये कमरा ना इसी के नाम पे है। अबे तो हमारा वकील है किसका? अरे वकील तो मैं तुम्हारा ही हूँ। लेकिन क्या है प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के मुताबिक। ए देख तेरी किताबी बातें ना हमारे पल्ले तो पड़ती नहीं है। सीधा सीधा बता हमको करना क्या है। आप लोग ना एक काम करो, इस लड़की को और इसका पति दोनों को मार दो। उसके बाद मैं कमरे के नकली कागज बनाऊंगा, ये कमरा तुम दोनों के नाम कर दूंगा। अरे तेरे पास ना इससे भी अच्छा आइडिया। ए, 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 आइडिया देना मेरा काम है, वकील मैं हूँ तुम नहीं। अरे आप सुनो, मेरे पेट पे लात मारने की कोशिश ना करना। चुप है ना? चुप। बस क्या आइडिया तेरे पास? आइडिया ये है कि मैं आपसे शादी कर लेती हूँ।
उससे क्या होगा पता है? उससे वो घर भी आपका हो जाएगा और मुझे मेरे पति से छुटकारा भी मिल जाएगा। अरे वाह, मान जाओ मान जाओ, प्लीज मान जाओ। मान जा तू क्यों? अरे मलामाइते, अरे मुझे धोखा देगी मलामाइते, मलामाइते तू मुझे धोखा देगी। सारी जिंदगी मैंने तुझे खिलाया पिलाया, मुझे पता था। अरे मलामाइते तू मुझे धोखा देगी। अरे मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे क्या क्या कर दूँ? अरे पहले मुझे कुछ दे दो। अरे तुम अंकित, ये तीन बॉडीगार्ड मिल गए तो पति देव जी से अंकित पे आ गया मैं। अरे कोई कुछ दे दो रे मुझे। अरे मैं मार दूंगा मैं यार। अरे तोड़ दो, मुझे बचा लो। मैं आपको बहुत दुआएं दूंगी, वो घर भी आपके नाम कर दूंगी। अरे मेरा घर 25 लाख रुपए देके खरीदा है, 25 लाख मेरा घर इनको दे देंगे। अरे कोई कुछ दे दो। अरे चल बताओ तुम लोग किसके लिए काम करते हो? पागल हो गई क्या? कोई अपने होने वाले पति पर घन तानता है क्या? ला 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 मुझे दे। अगले 35 सेकंड में अगर तुम लोगों ने नहीं बताया कि तुम लोग किसके लिए काम करते हो तो जान से जाओगे। कौन हो तुम? अभी थोड़ी पढ़ाई लिखाई कर ली होती ना तो ऐसे सवाल नहीं करता। सीआईडी आ गई, सीआईडी। सही से बता दे किसके लिए काम करता है, समझा? अभी तक तो अपनी गाड़ी एकदम सही पटरी पे चल रही है बस। इस अंबर काका ने सबके सामने कह दिया है कि अपना कमरा सिर्फ हमें ही बेचेगा। अरे वैंकी, वैसे वैंकी की नाक में खुजली हो रही हो, देखना वो जरूर कुछ ना कुछ करेगा। क्या हुआ? बड़े गाय में लग रहा तू। वैंकी दादा को हमेशा के लिए गहरी में सुला दिया तुम दोनों ने। क्या जान से मार दिया उनको? ये तू क्या बोल रहा है कि मार क्या? ए अरे हट, क्या हो? ये अब खुश हो ना तुम दोनों, हमारी हस्ती खेलती चोल को शमशान घाट बना कर रख दिया। नहीं नहीं नहीं, ये हमने वैंकी को नहीं मारा है। आप लोगों को जरूर कुछ गलतफहमी हो रही है। कोई गलतफहमी नहीं हुई है। तुम्हारी पिटाई से वैंकी काका को इंटरनल ब्लीडिंग हुई और उनकी मौत हो गई। इंटरनल ब्लीडिंग? हाँ, लेकिन वैंकी की कुर्बानी अब बेकार नहीं जाएगी। अब ना तो तुम लोग यहाँ रहोगे और ना तुम लोग अमर काका घर ले पाओगे। पुलिस आ रही है तुम लोगों को जेल ले जाने। पुलिस पुलिस स्टेशन से आ रहे हैं। मल्लू कंचा कौन है बोला? ये लालू है। ए रुको, चलो हमारे साथ। हाँ चलो चलो, जब हमने कुछ किया नहीं तो डरना क्या। चलो चलो। ये सीआईडी वाले उस वकील के साथ क्या करते होंगे? पता नहीं यार, अगर वो वकील को ही नहीं छोड़ रहे तो हमारा तो पक्का हलवा बना देंगे। सर ये लोग इतनी देर से यहाँ पर हैं, अगर अभी तक उन्होंने कोई बात नहीं की जिससे हमें कोई सुराग मिले। पंकज थोड़ी देर और इंतजार करो, थोड़ी देर, देखना सब हवा निकल जाएगी, यूं बोलने लगेंगे। अबे तूने मुझे मारा क्यों? और मारो, क्या करेंगे बता। तू हंस क्यों रहा है? यही तो आइडिया है पप्पू, यही आइडिया। हम दोनों एक दूसरे की इतनी पिटाई करेंगे कि हम दोनों के शरीर पर खूब ढेर सारे जख्म और चोट के निशान आ जाएंगे। इसके बाद हम सीआईडी वालों को फंसा देंगे कि उन्होंने हमें टॉर्चर किया है। तो चल शुरू हो जा। इनकी फाइटिंग देखकर बोर हो गया, अंदर चलते हैं। ऊपर। अरे वाह, हैं? हो गई कुश्ती खत्म? बड़े होशियार समझते हो अपने आप को लंगूर की तुम। दिखाओ इसे।
एक दूसरे की इतनी पिटाई करेंगे, इतनी पिटाई करेंगे कि हम दोनों के शरीर पे खूब ढेर सारे जख्म और चोट के निशान आ जाएंगे। इसके बाद हम सीएजीओ को फंसा देंगे कि उन्होंने हमें टॉर्चर किया है। तो बता दे और सच सच बताना। सब ये सब मैंने वेंकी दादा के कहने से किया था। उन्होंने कहा था कि पूजा को किडनैप कर लो। वेंकी ने? अच्छा, क्यों क्यों किया वेंकी ने ये सब? वो हमसे चौल खाली करवाना चाहता था और वो आलीशान मॉल बनाने के चक्कर में था। अच्छा, चौल खाली करवाना चाहता था वेंकी मॉल बनवाने के लिए, मगर वेंकी भूल गया जब तक सीआईडी है कोई भी चौल वो जबरदस्ती खाली नहीं करेगा। एक्सक्यूज मी, ये कुशाल का कमरा किधर है? वहां ऊपर कमरा नंबर 112। उस घर में जो दो लोग रह रहे हैं वो कहां पर है? कल्लू और कंचा। हाँ। उन्हें तो पुलिस पकड़ के ले गई। हाँ सर, उन्होंने वेंकी भैया का खून किया था। दोनों गुंडे थे। गुंडे थे वो दोनों। नया सर, अभिजीत सर ने किसी का खून कर दिया, ये कैसे हो सकता है सर? अंबर काका बताइए ना, उन्होंने आपकी पिटाई भी तो की थी ना? नहीं नहीं नहीं, देखो वो दोनों गुंडे नहीं थे, वो हमारे सीआईडी के ऑफिसर अभिजीत और दया है। एसीपी साहब ठीक कह रहे हैं पिंकू, वो लोग सीआईडी ऑफिसर्स ही थे। उन लोगों ने मुझे अपने बारे में सब कुछ बता दिया था, इसीलिए मैंने उनके साथ पिटाई वाला नाटक किया था। हाँ, वेंकी की लाश कहाँ पर है? वो तो पुलिस वाले ले गए एम्बुलेंस में। सर? हाँ। सर नहीं, अभिजीत सर का फोन लग रहा है, नहीं दया सर का। मुझे लगता है वो दोनों बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। छोड़ो श्रेया, मुसीबत कोई बड़ी नहीं होती जब दया और अभिजीत है तो, समझी? साहब, दो घंटे से घुमा रहे हो, हैं? बोर हो गए? कुछ म्यूजिक भेज के काम करो ना साहब। ठीक है? तुम दोनों पुलिस वन में बैठे हो, पिकनिक बनाने नहीं जा रहे हो, चुपचाप बैठो। अच्छा भाई साहब, रास्ते में कहीं चाय पिला दो यार, बहुत सुस्ती हो रही है। अरे बाबा, खूब मस्ती आ रही तुम्हारा, बस कुछ देर फिर पूरी सुस्ती निकल जाएगी। वैसे हमें ले कहाँ जा रहे हो? किस पुलिस स्टेशन? यमलोक पुलिस स्टेशन। बगित लेकर यमलोक, यानी अपनी टिकट कट गई कंचा भाई। गाड़ी में बम लगा है। बम? अब बम फटने से पहले हम दोनों गाड़ी से कूद जाएंगे, अब तुम दोनों बम के हवाले। चल! ए! ए! सर ये रहा वेंकी का कमरा। वो? जी सर। सर तो एक बात बताइए, ये वेंकी कब से रह रहा है आपकी चौल में? सर वो तो यहाँ सालों से रह रहा था। और अकेला ही रहता था या कोई और भी था उसके साथ? सर वो अकेला ही रहता था, उसका कोई परिवार वगैरह नहीं था। सर, आप सोचिए, ये देखिए सर, वेंकी के कमरे से इतना सारा कैश मिला है। वेंकी के कमरे में से इतना सारा पैसा? वो यहाँ रहता था। काम करो, कमरे का कोना कोना छान मारो,
अगर जरूरत पड़े तो ये फर्श भी तोड़कर निकालो, देखो और भी कुछ मिलता है क्या। एक बात बताइए, ये वेंकी इतने सालों से यहाँ पर रह रहा था, क्या काम क्या करता था वो? सर हमने कई बार पूछा लेकिन वेंकी ने कभी कुछ बताया ही नहीं। अच्छा, कल्लू और कंचा नहीं, दया और अभिजीत। क्या हुआ क्या है? कुछ नहीं सर, मामूली से खरोचे हैं, ठीक हो जाएंगे। सर आप लोग ठीक है? सर सर ये मॉल के कुछ पेपर्स मिले जो अंबावाड़ी और गुलाबवाड़ी चौल की जगह बनने वाला है। ये देखो, इस मॉल में वेंकी की 20% की पार्टनरशिप है, 20% की पार्टनरशिप, इसीलिए तो वो चाल जल्दी से जल्दी खाली कराना चाहता था। मगर अब वेंकी काका तो मर गए ना, तो फिर अब क्या होगा? नहीं, वेंकी मरा नहीं है। जिस तरह से वो दो पुलिस वाले नकली थे, वो एम्बुलेंस भी नकली था सर। और वेंकी की मौत वो भी नकली, सब कुछ नाटक था। वेंकी जिंदा है। अरे अरे छोड़ दो, क्यों मारना चाहते हो तुम लोग मुझे? आखिर मेरा कसूर क्या है? तुम्हारा सिर्फ इतना ही कसूर है कि तू गुलाबवाड़ी साड़ी का मालक है। अंबावाड़ी साड़ी का मालक तर आम्ही जेल मध्ये पाठवले, अब तू मरेगा इस मलबे के नीचे। अरे नहीं नहीं, असं करू नका। अरे असं करू नका, तुझ्या मरणानंतर तर आम्ही ती साडीची चुटकी सरशी खाली करून घेऊ। वहां बनेगा एक आलीशान मॉल। तो आखिरी इच्छा बोल लो तुम्हारी, हम नहीं चाहते तुम्हारी आत्मा हमारे मॉल में भटकती रहे। अरे छोड़ो। अरे ओ भाई साहब, जल्दी जल्दी आप लोग जाओ। अरे बाबा बंद कर रहा है बाजी, ब्लास्टोनी वाला। चलो चलो चलो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। अरे कोई बचाओ। वो दर्शन सेठ को मारने के लिए छोड़ दिया, वो लोग भाग रहे हैं, पकड़ो उन्हें। आप लोग आप लोगों ने आने में बहुत देर कर दी, अब लास्ट शुरू हो चुके हैं, अब हमारा पटना नाम मुमकिन है। सर कुछ नहीं होगा, आप जल्दी आइए। में ये नया विलन कहां से आ गया? श्यामली, गुलाबवाड़ी चौल की जगह जो मॉल बनने वाला था, उसका काम रुकने से मुझे बहुत नुकसान हुआ। मेरे पापा के 16 करोड़ रुपए लगे थे उस प्रोजेक्ट में, हम लोग रोड पे आके बर्बाद हो गए। हम तो तुमने तेज से शादी की ताकि उसकी दौलत का इस्तेमाल करके गुलाबवाड़ी चौल को हथिया सको। हाँ, सिर्फ और सिर्फ एक ही सपना था मेरा, चौल को बर्बाद करना और उसकी जगह एक जगमगाता शॉपिंग मॉल बनाना। और अपना सपना पूरा करने के लिए एक के बाद एक जुर्म करती गई तुम, खून किए, मासूम लोगों को घरों से बेघर कर दिया, हाँ? उन्हें डराया धमकाया। और तो और, चंद्रू और चपटिया का खून का इल्जाम तेज पे लगा दिया, उसको फंसा दिया तुमने। पर क्या फायदा हुआ, आप सीआईडी वाले सब बीच में घुस गए और सगाता सत्यानाश करूं टकला। सुबह आई
ये तो हमारी पुरानी आदत है। और मुझे भी तो बहुत बड़ा धोखा दिया इन्होंने, कल्लू और कंचा बन के। तुम जैसे सांप को बिल से बाहर निकालने के लिए सीआईडी को अक्सर ऐसा करना पड़ता है। बहुत शौक था तुम लोगों को आलीशान मॉल बनवाने का। सरकार ने तुम लोगों के लिए पहले से ही मॉल बनवा रखा है, जेल की काल कोठरी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।